नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। और जैसा कि हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, और इसमें आप लोग जो है पिछले क्लास में आप देखे थे, कुछ जो है हम लोग बायोट सावर्ट ला के बारे में भी देखे थे, और उसका एप्लीकेशन भी हम लोग देखे हैं, फिर एम्पियर्स का नियम भी हम लोग देखे हैं। आज हम लोग जो है एक नया क्वेश्चन बनाएंगे और तब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास को। देखिए, क्वेश्चन लिखिए आप लोग, लॉरेंज फोर्स क्या है। क्वेश्चन डाल लीजिए, लॉरेंज फोर्स क्या है, व्हाट इज लॉरेंज फोर्स। और यह आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि परीक्षा में पूछता भी है। तो लॉरेंज फोर्स का हेडिंग दीजिए, तब आप लोग लिखिए। ओके, देखिए, व्हेन ए पॉइंट चार्ज मूविंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड देन ड्यू टू दीज टू फील्ड्स टू फोर्सेस एक्टिंग on positive charge। देखिए, हम क्या कहें, पहले भी हम लोग जानते थे कि जब चार्ज मोशन में होता है, गति में होता है, तो उसके चलते जो है दो फील्ड उत्पन्न होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो जब मोशन में होता है तो दो फील्ड जल्दी उत्पन्न हुआ, तो दो फील्ड के चलते उस पर दो फोर्स लगता है। एक फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण और एक फोर्स लगता है आपको मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो हम लोग कहे कि टू फोर्सेस एक्टिंग अपॉन पॉजिटिव चार्ज। एक पहला हुआ आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स कहिए, तो ड्यू टू इट एक ई बराबर जो होता है वह क्यू इंटू ई के इक्वल होता है। इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होता है वह क्यू इंटू ई के इक्वल होता है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम लोग देखेंगे। और दूसरा होता है मैग्नेटिक फोर्स के चलते, तो मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे कि डी टू इट एफ एम बराबर, एक एम मतलब मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी इंटू साइन थीटा होता है। अब दोनों फोर्स को यदि हम लोग ऐड करते हैं तो सम ऑफ दीज टू फोर्सेस, दीज टू फोर्सेस आर कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स मतलब कि इन दो फोर्स के सम को ही जो है हम लोग लॉरेंज फोर्स कहते हैं, लॉरेंज फोर्स कहते हैं। तो लॉरेंज फोर्स आपका क्या होगा कि लॉरेंज फोर्स इज इक्वल टू एफ ई प्लस हो गया आपका एफ एम, इन दोनों के सम को कहते हैं। तो आप दोनों को जब सम कीजिएगा, देखिए ऊपर से थोड़ा मिटा देते हैं, ऊपर आप लोग लिख लीजिएगा, इधर का आप लोग लिख सकते हैं। देखिए, तो लॉरेंज फोर्स इज इक्वल टू इतना हम लोग लिखे, मतलब कि लॉरेंज फोर्स जो होता है, लॉरेंज फोर्स
इज इक्वल टू एफ ई का मान हो गया आपका क्यू ए क्यू बी और इसका एफ एम का मान हो गया कि क्यू वी बी साइन थीटा। इसको भी आप जोड़ करके ऐसे भी लिख सकते थे कि क्यू ई प्लस क्यू इन टू वी क्रॉस बी के इक्वल होता है। वेक्टर फॉर्म में इसको लिख दिया। तो ए आपका लॉरेंट्ज़ फोर्स का सूत्र हो गया है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यह आपका लॉरेंट्ज़ फोर्स का सूत्र हुआ। ये दो नंबर में जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को पूछता रहता है और आप लोग इसे उतार लीजिए। ओके अब आप लोग जो है लिख लिए होइएगा। तो चलिए हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे बढ़िए। देखिए क्वेश्चन लिख लीजिए। हाइट फोर्स एक्टिंग ऑन ए पॉजिटिव चार्ज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती हुई पॉजिटिव चार्ज पर जो है क्रियाशील बल का जो है हम लोग का गणना करना है। जो अभी हम आप लोगों को बताए लॉरेंट्ज़ फोर्स में कि मैग्नेटिक फोर्स के चलते एफएम जो होता है वह क्यू वी बी साइन थीटा होता है। इसी सूत्र को हम लोग देखिए जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले आप लोग जो है आंसर में हेडिंग बनाइए कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए पॉजिटिव चार्ज मूविंग इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक नोट कीजिए आप लोग। देखिए जब पॉजिटिव चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में जो है मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वह जो है कुछ बातों पर डिपेंड करता है कि चार्ज का परिमाण कितना है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, उसकी वेलोसिटी कितनी है और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, यह इन चीज़ों पर जो है डिपेंड करता है। तो पहले इस बात को थोड़ा नोट कीजिए कि व्हेन पॉजिटिव चार्ज मूविंग इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन ड्यू टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्टिंग अपॉन पॉजिटिव चार्ज डिपेंड्स अपॉन
फ्लोइंग फैक्टर, फ्लोइंग फैक्टर देखिए निम्न बातों पर यह डिपेंड करता है। नोट कीजिए पहले आप लोग, हो गया होगा। नंबर वन में लिखिए आप लोग नंबर वन वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, मतलब कि वी पर डिपेंड करता है। नंबर टू में देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, जिसको कि हम लोग बी से डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। नंबर तीन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज के परिमाण पर भी डिपेंड करता है यह, और एंगल बिटवीन वी एंड बी पर भी डिपेंड करता है, एंगल बिटवीन वी एंड बी जिसको कि अर्थ थीटा कहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द्वारा पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है एक, वह किस पर, किस पर डिपेंड किया है, एक वह क्यू पर डिपेंड किया, वी पर भी डिपेंड किया, बी पर भी डिपेंड किया, और वी और बी के बीच का एंगल जो थीटा है उसके साइन थीटा पर डिपेंड करता है, थीटा का मतलब डिपेंड करता है। अब आप प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाइएगा तो एक कांस्टेंट हम लोग देते हैं, तो एक बराबर हम लोग कहेंगे कि के क्यू डी बी इंटू साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है, जहां के क्या है आपका कांस्टेंट है, तो वेयर के इज ए कांस्टेंट इन एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम में के बराबर आपका वन होता है, इसके का वैल्यू क्या होता है वन होता है, तो एफ बराबर हम लोग क्या लिखेंगे कि क्यू डी बी इंटू साइन थीटा होता है। यह आपका जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हुए चार्ज पर जो है एक्टिंग फोर्स का जो है मान है, कि इतना फोर्स जो है उस मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड द्वारा लगता है। इस बात को आप लोग नोट कीजिए, देखिए थोड़ा सा और ऊपर से थोड़ा मिटा दें, लिख लीजिए ओके। देखिए इन वेक्टर फॉर्म इट इज रिटन एज, लेकिन वेक्टर पर में इसको हम लोग क्या लिखते हैं कि एक वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है, वी क्रॉस बी होता है, तो यह आपका वी क्रॉस बी के डायरेक्शन पर डिपेंड किया। आप लोग जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी का जब हम डायरेक्शन निकालते थे तो एक पर जो है हम लोग हथेली को रखते थे और बी की ओर मोड़ते थे, तो अंगूठा जो है उसका डायरेक्शन बताता था, तो डायरेक्शन ऐसे कैसे निकाला जाएगा तो डायरेक्शन की बात भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले आप लोग जो है इसको नोट कीजिए कि वेक्टर फॉर्म में मैग्नेटिक फोर्स
के द्वारा जो लगता है, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स लगता है उसका मान जो होता है वो किल इंटू डी क्रॉस बी के इक्वल होता है। हो गया, नेक्स्ट वार्ड की ओर देखिए। हम लोग अभी लिखे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है पॉजिटिव चार्ज पर वह एक बराबर होता है क्यू वी बी साइन थीटा के इक्वल होता है। अब कुछ स्पेशल केस देखिए कि अब इसमें क्या क्या कंडीशन होगा। तो सम स्पेशल केस, सम स्पेशल केस, केस वन व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री। थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री का मतलब क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड अगर इस दिशा में है तो इसी डायरेक्शन में जो है चार्ज भी जो है प्रवेश कर जाए तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा जीरो डिग्री हो जाएगा। तो यदि जीरो डिग्री हो जाएगा तो अब आप एफ बराबर निकालिएगा तो कहेगा कि क्यू बी बी साइन जीरो डिग्री के इक्वल हो जाएगा, साइन जीरो डिग्री के इक्वल हो जाएगा और साइन जीरो डिग्री का मान आपका जीरो होता है तो एफ बराबर जो हो गया वह जीरो हो गया। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उस पर कोई फोर्स जो है नहीं लगता है। मान लीजिए कि यह कलम मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे सीधा प्रवेश किया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन उधर ही है और चार्ज का भी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में है तो सेम डायरेक्शन में जब फोर्स चार्ज जो है प्रवेश करता है और उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो वह उसी दिशा में मूव करता रह जाएगा क्योंकि अब इधर उधर तो उसको घूमना नहीं है क्योंकि यदि इस पर कोई फोर्स इधर से चाहे इधर से यदि लगता तब तो यह मुड़ जाता लेकिन यहाँ से चार्ज चला है और इस पर इधर से तो चाहे इधर से किसी एंगल पर कोई फोर्स तो नहीं लग रहा है, यह सब फोर्स कार्य नहीं कर रहा है। मतलब कि यह सीधा जो है आगे बढ़ता चला जाएगा। इसका अर्थ क्या है कि जब पॉजिटिव चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग प्रवेश करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो चार्ज का जो है मोशन जो होता है वह स्ट्रेट लाइन में हो जाता है, वह स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा किंतु वह मुड़ेगा ही नहीं। तो इस बात को थोड़ा सा नोट कीजिए तब हम आप लोग को लिख देते हैं। बोले देखिए हेंस पॉजिटिव चार्ज इंटर्स इनटू एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन देयर इज नो फोर्सेस एक्टिंग बाई मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उस पर कोई जो है फोर्स नहीं लगता है, फोर्स का मान क्या हो गया मैग्नेटिक फोर्स का मान जो है वह जीरो हो गया है। नोट कीजिए आप लोग। तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा यदि फोर्स नहीं लगेगा तो चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करेगा तो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा क्योंकि अब उसको इधर उधर मुड़ना नहीं है क्योंकि इधर से चाहे इधर से किसी भी डायरेक्शन से जो है उस पर कोई फोर्स कार्य नहीं कर रहा है। इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पर। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए
कि जब पॉजिटिव चार्ज जो है मैग्नेटिक फील्ड के एलोंग मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करता है तो उसके पथ का जो है आकृति कैसी होगी, आकृति कैसी होगी। तो अब हम लोग क्या कहेंगे, उसके पथ की आकृति जो होगी वह स्ट्रेट लाइन में होगी, क्योंकि वह स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा, उस पर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कोई फोर्स कार्य नहीं करता है। लेकिन एक बात थोड़ा सा याद कीजिए कि हम क्या कहे हैं कि मूविंग चार्ज पर दो फोर्स लगते हैं। मूविंग चार्ज पर अगर चार्ज इन मोशन हो तो चार्ज इन मोशन के चलते इस पर दो फोर्स लगता है। एक फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, लगता है, और दूसरा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगता है। और आप देख कर लिए कि चार्ज का डायरेक्शन भी इधर है, माने बी की डायरेक्शन, इसका वेलोसिटी डायरेक्शन इधर है तो बी का भी डायरेक्शन इधर है। अब दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड तो आपका जीरो हो गया, तो बच गया उस पर कौन सा फोर्स, केवल तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही काम है कि चार्ज को स्ट्रेट लाइन में सीधा मूव करा दे। लेकिन यह कब ऐसा होगा, यदि मैग्नेटिक फील्ड का मान जो हो वह जीरो हो जाए, तब इलेक्ट्रिक फील्ड उसको जो है सीधा स्ट्रेट लाइन में मूव करा देता है। अब इस बात को नोट कर लीजिए, चलिए आगे देखा जाए। लिख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। ओके, लिखिए। हम लोग तो कहे हैं कि एक बराबर मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है वकील भी साइन थीटा के इक्वल होता है, और जब थीटा आपका जीरो है तो एक का मान जो होता है वह जीरो होता है, और पथ जो होता है वह स्ट्रेट लाइन में होता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। ये बात हम लोग देख लिए कि स्ट्रेट लाइन में जो है पॉजिटिव चार्ज जो है मूव करने लगता है। मान लीजिए कि थीटा का मान 90 डिग्री हो गया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तब आप लोग अब देखिए कि एक बराबर जो सूत्र कहता है कि क्यू वी वी साइन थीटा होता है, और थीटा का मान आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, तो क्यू वी वी इंटू साइन 90 डिग्री रख लीजिए। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है आप जानते हैं, तो एक बराबर हो गया क्यू वी वी के इक्वल हो जाता है। इसका मतलब कि चार्ज ऐसे मोशन में है तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जो है फोर्स लगाता है 90 डिग्री पर, तो 90 डिग्री यह कलम हो गया, यह ऐसे मूव करना हुआ, और इस पर 90 डिग्री पर यदि कोई फोर्स लग जाए, टेंजेंशियल ना फोर्स लग गया, तो देखिए ऐसा फोर्स इस पर यहाँ लगा 90 डिग्री पर, तो यह अगर मूव करके यहाँ आया तो फिर इस पर जो है 90 डिग्री पर ही फोर्स लग रहा है, फिर यहाँ आएगा तो यहाँ भी आपको 90 डिग्री पर ही फोर्स लग रहा है, यहाँ आया तो यहाँ भी ऐसे 90 डिग्री पर ही, हमेशा यह 90 डिग्री के ही एंगल पर जो है फोर्स लगने लग रहा है। अगर यही यहाँ आता है तो इस पर इसी डायरेक्शन में जो है 90 डिग्री पर देखिए फोर्स जो है लग रहा है, यहाँ आएगा तो आपको ऐसे 90 डिग्री पर फोर्स लगने लग रहा है। इसका अर्थ हुआ कि आपका चार्ज जो है ऐसे सर्कुलर पथ में मूव करने लगेगा। देखिए यहाँ पर जो है आपका 90 डिग्री का कोण लग गया, यहाँ भी इस पर जब आया है जैसे 90 डिग्री का मूव कर रहा है, यहाँ आया तो यहाँ भी 90 डिग्री का मूव कर रहा है, यहाँ आएगा तो ऐसे यहाँ भी आप देख लीजिए कि 90 डिग्री का मूव कर रहा है। तो इस ढंग से हम लोग क्या देखें कि चार्ज जो है सर्कुलर पथ में जो है घूमने लगता है, सर्कुलर पथ में। तो सर्कुलर पथ में तो घुमाने के लिए आप लोगों को सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो वह सेंट्रीपिटल फोर्स चार्ज को कौन देता है, तो मैग्नेटिक फील्ड देता है, मैग्नेटिक फील्ड देता है। यदि मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉजिटिव चार्ज पर
इसी पॉजिटिव चार्ज पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कार्य करता है तो चार्ज जो होता है वह सर्कुलर पथ में जो है मूव करने लगता है, और सर्कुलर पथ में घूमने के लिए पॉजिटिव चार्ज को एक सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होगी, और वह सेंट्रीपिटल फोर्स जो है चार्ज को कौन देता है, तो वह सेंट्रीपिटल फोर्स चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड देता है, क्योंकि वही उसको सर्कुलर पथ में घुमाता है। तो इस बात को थोड़ा सा नोट कीजिए, तब आप लोगों को लिखवा देते हैं। चलिए देखिए, लिख लिया जाए ना। When positive charge moving in an uniform magnetic field किस डायरेक्शन में, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, along perpendicular direction, then charge moving along a circular path, moving along a circular path, circular path में वह घूमने लगता है। In this situation, centripetal force, जो होता है वह मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल हो जाता है। यह याद रखिएगा कि सर्कुलर पथ में मूव करता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दिया उसको, तो मैग्नेटिक फील्ड दिया है पॉजिटिव चार्ज को। अभी आप लोगों को बताया कि इसका सूत्र आप लोग जानते हैं कि एमपीएस का आर होता है, अगर वह आर रेडियस में मूव करने लगा है तो एमपीएस का आर याद हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड का मान अभी हम क्या कहे कि क्यू थी वी के इक्वल होता है, साइन थीटा तो आपका 90 डिग्री हो गया है, और आपका यहाँ से वी की जो है कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसको हल कीजिएगा तो वी बराबर जो होगा वह क्यू बी आर बटा में एम हो जाएगा। कभी कभी आप लोगों को आर का मान निकालने के लिए देता है, तो आर बराबर क्या कहेगा कि एम भी बटा में क्यू बी होता है, मतलब इस रेडियस वाले सर्कुलर पथ पर जो है आपका पॉजिटिव चार्ज है मूव करने लगता है। इस बात को नोट कीजिए आप लोग। अब बात थोड़ा सा समझिए, देखिए हम लोग क्या देखते हैं कि जब इनी हर मैग्नेटिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के एलोंग प्रवेश करता है तो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, और जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यदि वह मूव करता है तो वह सर्कुलर पथ में मूव करने लगता है, और सर्कुलर पथ में मूव करने के लिए उसको जो आवश्यक और नेसेसरी जो है सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वह कौन देता है, तो वह आपको मैग्नेटिक फील्ड देता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का कार्य जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड का मेन कार्य इसमें जो होता है, जब पॉजिटिव चार्ज जो है मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड का कार्य होता है केवल उसके डायरेक्शन को बदल देना, डायरेक्शन को क्या कर देना, बदल देना, वह उसके मैग्नीट्यूड पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसको मूव करा ही रहा है स्ट्रेट लाइन में, और मैग्नेटिक फील्ड उसको क्या करता है, तुरंत टर्न कर देता है, जिससे कि वह वृत्तीय पथ में जो है घूमने लगता है।
तो मैग्नेटिक फील्ड का कारण कार्य जो है वर्क जो है केवल उस पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन को केवल बदलना है, डायरेक्शन को केवल क्या है बदलना है, यह उसके मैग्नीट्यूड पर जो है कोई इफेक्ट नहीं डालता है, कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो आपको इसको भी नोट कर लीजिए थोड़ा। ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड when positive charge enters into an uniform magnetic field, then it moving along a circular path, moving along a circular path due to magnetic field, only direction of positive charge changes, there is no effect on its मैग्नीट्यूड, इसके मैग्नीट्यूड पर कोई प्रभाव जो है नहीं पड़ता है, केवल यह क्या करता है इसके डायरेक्शन को बदल देता है, और डायरेक्शन को बदलने के चलते जो है वह सर्कुलर पथ पर मूव करने लगता है। नोट कर लीजिए इस बात को। आपको आप लोग को आगे बढ़ा जाए, देखिए केस थ्री लिखिए, केस थ्री भी देखिए जाए। व्हेन थीटा इज इक्वल टू, थीटा जो है वह जीरो या नब्बे डिग्री नहीं है, एनी एंगल है, एनी एंगल एक्सेप्ट जीरो डिग्री एंड नब्बे डिग्री, मतलब जीरो डिग्री और 90 डिग्री को छोड़ करके कोई अन्य एंगल से वह प्रवेश करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तब क्या होता है। तो थोड़ा सा बात को समझिए कि यदि पॉजिटिव चार्ज जीरो और नब्बे डिग्री के अलावा किसी अन्य एंगल से प्रवेश करता है अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी जो होती है वो दो परपेंडिकुलर पार्ट्स में जो है टूट जाती है, दो परपेंडिकुलर पार्ट्स में होती है, एक होता है वी कॉस थीटा, एक होता है वी साइन थीटा। जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहता है तो वी साइन थीटा होता है, लेकिन जब अगर पैरेलल डायरेक्शन में होता है तब वह परपेंडिकुलर, मान लीजिए पैरेलल हो गया बी के जो है पैरेलल, तब वह भी कॉस थीटा के इक्वल हो जाता है। तो थोड़ा सा इस बात को समझिए हम क्या कहें कि यदि जीरो और 90 डिग्री के अलावा किसी अन्य एंगल पर पॉजिटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करता है
तो उसकी वेलोसिटी जो होती है वह दो परपेंडिकुलर पार्ट्स में रिजल्व हो जाती है, टूट जाती है। एक होता है वी कॉस थीटा, यह तब होता है जब वी जो है बी के पैरेलल होता है, और एक होता है वी साइन थीटा, यह तब होता है जब वी बी के परपेंडिकुलर होता है। तो इस बात को अब आप लोग पहले नोट कीजिए, तब आगे थोड़ा सा इस पर समझाते हैं। देखिए कि व्हेन पॉजिटिव चार्ज इंटर्स इनटू एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल थीटा एक्सेप्ट 0 degree एंड 90 degree, 0 degree एंड 90 degree, देन वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज रिजल्व इनटू टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर पार्ट्स दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर पार्ट्स में जो है टूट जाता है किंग की वेलोसिटी जो होती है, मतलब कि भी जो है दो पार्ट में टूट गया, एक हो गया आपका भी कॉस थीटा और दूसरा जो पार्ट हुआ वह भी साइन थीटा के ही होता है। लेकिन भी कॉस थीटा कब होता है, यह तब होता है जब भी पैरेलल हो बी के, भी पैरेलल हो बी के, और यह तब होता है जब भी परपेंडिकुलर हो बी के। इस बात को पहले आप लोग नोट कर लीजिए, तब आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे लिखा जाए, देखिए आप लोग थोड़ा वीडियो भी पॉज कर करके भी जो है लिखते रहिएगा ताकि बातें आप लोगों को समझ में आती रहे। देखिए भी टूट गया भी कॉस थीटा में और भी साइन थीटा में, यह भी जो है पैरेलल है बी के और यहाँ भी जो है परपेंडिकुलर है बी के, तो भी कॉस थीटा के कारण जो है पॉजिटिव चार्ज जो है वह स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। डी टू भी कॉस थीटा पॉजिटिव चार्ज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पथ, पहले लिख लिया जाए कि डी टू भी कॉस थीटा पॉजिटिव चार्ज मूविंग along a straight line पर, इसके चलते जो है स्ट्रेट लाइन पथ में वह मूव करने लगता है। और दूसरा क्या कहें कि due to v sin theta पॉजिटिव चार्ज मूविंग इन ए सर्कुलर पथ। अब देखिए मतलब कि यदि थीटा मान 0 degree और 90 degree को छोड़ करके यदि पॉजिटिव चार्ज जो है किसी अन्य एंगल से प्रवेश करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो वह स्ट्रेट लाइन में मूव करने का भी प्रयास करता है और सर्कुलर पथ में भी मूव करने का प्रयास करता है, मतलब कि सर्कुलर पथ में घूमते हुए ही वह आगे बढ़ता है। तो ड्यू टू इट माने दोनों के कारण जो है
इन दोनों के कारण पथ की आकृति जो होती है वह हेलिक्स के आकृति की हो जाती है। तो समझिए थोड़ा सा कि एज ए रिजल्ट ऑफ दीज टू रीजन पॉजिटिव चार्ज मूविंग along a helix path helix जैसे स्प्रिंग देखे हुए होइएगा कि इस तरह के पथ में जो है ना वो देखिए सर्कुलर में भी मूव कर रहा है और स्ट्रेट लाइन में भी मूव करने का प्रयास कर रहा है और ऐसी आकृति को हम लोग जो है हेलिक्स की आकृति कहते हैं। तब आप लोग समझ गए होइएगा थोड़ा सा एक बात पहले इसको उतारिए थोड़ा सा हम बताते हैं नोट कीजिए नोट हो गया देखिए अब हम क्या कह रहे हैं देखिए हमने आपसे कहा कि यदि ही और बी ही एंड बी फिर से समझ लीजिए एक बात को कि बीच का एंगल थीटा जो है 0 डिग्री है तो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है और 90 डिग्री पर यदि हो एंगल तो सर्किल में मूव करता है सर्कुलर पथ में हो जाता है आकृति जो होती है और यदि 0 डिग्री भी नहीं है 90 डिग्री भी नहीं है माने थीटा बराबर या दोनों मान नहीं है आपका तो पथ की आकृति जो होती है वह हेलिक्स की आकृति की होती है। इसमें यहाँ हम लोग याद रखें कि भी जो है दो पार्ट में टूटा था एक जो था भी कॉस थीटा इसके चलते स्ट्रेट लाइन था और भी साइन थीटा के रूप में टूटा था इसके चलते जो है सर्कुलर पथ में था सर्किल में था और इन दोनों रिजल्ट को हम लोग क्या कर लिए कि इसका रिजल्ट जो होता है वह हेलिक्स के आकृति का हो जाता है। इस बात को आप लोग संक्षेप में भी ऐसे नोट कर सकते हैं इसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए थोड़ा सा डायरेक्शन की बात हम लोग कर रहे थे कि डायरेक्शन की गणना हम लोग कैसे करेंगे पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड में जब वह प्रेस करता है तो कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्शन इन बातों को थोड़ा नोट कीजिए तब हम बोलते हैं आप लोगों को देखिए आप लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसके डायरेक्शन का कैलकुलेशन 3 विधि से हम लोग करते हैं। एक नियम है राइट हैंड स्क्रू रूल होता है राइट हैंड स्क्रू रूल आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट अप टू वेक्टर से ही देखते आए हैं। दूसरा डायरेक्शन होता है आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से भी निकालते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है आपको समझाएंगे भी और एक तीसरा होता है राइट हैंड पाम रूल भी होता है। तो थोड़ा सा इस बात को नोट कीजिए तब आपको तीनों समझाते हैं कि व्हेन पॉजिटिव चार्ज इंटर्स इनटू एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड then direction of force acting on
पॉजिटिव चार्ज कैलकुलेटेड बाय थ्री वेज, तीन तरीकों से जो है ना इसका गणना हम लोग करते हैं। पहला लिखिए आप लोग राइट हैंड अश्विनी गुरुन, नंबर वन में राइट हैंड स्क्रीव रूल, नंबर दो राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, और तीसरा होता है आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। ऐसे तो इसमें से किसी भी रूल को अगर आप फॉलो कर लीजिएगा तो आप फोर्स का डायरेक्शन जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन तीनों नियम को हम लोग आज जानेंगे, अगले क्लास में देखेंगे कि कैसे ये तीनों रूल से जो है हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं। तो आज के लिए क्लास हम लोग इतना ही दूर तक रखेंगे, इस बात को पहले आप लोग नोट कर लीजिए। ओके तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे, अगले क्लास में हम लोग राइट हैंड स्क्रीव रूल, राइट हैंड पाम रूल, क्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, कैसे जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसका डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन तीनों में से किसी एक भी विधि को आप अगर आप लेकर के चलते हैं तो आप जो है पॉजिटिव चार्ज पर क्रियाशील फोर्स का डायरेक्शन जो है आप ज्ञात कर सकते हैं। इस डायरेक्शन को देखने के बाद में हम लोग अगले चैप्टर में जो है साइक्लोट्रॉन के बारे में भी पढ़ेंगे। साइक्लोट्रॉन भी आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, तो अगले क्लास में हम लोग साइक्लोट्रॉन प्लस ये तीन रूल हम लोग देखेंगे। तो आप लोग यहाँ तक पढ़ते रहिए, मन लगा करके पढ़ना जरूरी है और रेगुलर मेहनत करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, सभी बच्चे जो है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे, धन्यवाद। ओके।